और ये आपको हम तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, रवीश बने हुए हैं हमारे साथ। देखिए गैंगस्टर विकास दुबे को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, पुलिस ने अपने शिकंजे में इस गैंगस्टर को लिया हुआ है और गिरफ्तारी हुई है उज्जैन महाकाल मंदिर के बिल्कुल नजदीक। सवाल अब यहाँ पर ये उठता है कि ये पूरा प्लान तरीके से, पूरी तैयारी के साथ, एक कहानी जैसे कोई फिल्मी कहानी होती है उसकी तरह क्या पूरी ये जमीन तैयार की गई थी? और ये आप इस वक्त देखिए, ये वो चेहरा है जिसके पीछे पिछले 6 दिन से प्रशासन, अलग अलग टीम, अलग अलग राज्यों की पुलिस लगी हुई थी, लेकिन इस गैंगस्टर ने 6 से 7 दिन के इस वक्त में कैसे अपने पैरों के नीचे नियमों को, कायदों को, पुलिस को, प्रशासन को, सबको रौंदा है। आप ये देखिए, व्यवस्थाओं को रौंदा है। और इसीलिए बड़े सवाल खड़े होते हैं कि एक विकास दुबे तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन इस विकास दुबे की वजह से जो तमाम व्यवस्थाएं बेपर्दा हुई हैं, अब कम से कम वो व्यवस्थाएं दोबारा सर खड़ा ना कर पाए, ताकि कोई दूसरा विकास दुबे फिर जन्म ना ले इस तरह की हरकत और वारदात को अंजाम देने के लिए। गिरफ्तारी उज्जैन महाकाल मंदिर के करीब से, और जिस बात की जानकारी रवीश दे रहे थे कि बकायदा मंदिर के आसपास खड़े होकर शख्स ने फोटो खिंचवाई है, खुद जाकर पहुंचा है और यह कहा है कि अपनी पहचान बताई है, और उस पहचान को जाहिर करने के बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो पुलिस के हत्थे आखिरकार ये मोस्ट वांटेड विकास दुबे आ गया है, लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद भी कई बड़े सवाल हैं जिनके जवाब तमाम प्रशासन को, पुलिस को, आला अधिकारियों को, इन्वेस्टिगेशन से जुड़े लोगों को देने होंगे। चलो ले लो लंदर ही ले लो यार। तो सबसे ताजा तस्वीरें आपको हम उज्जैन से इस वक्त दिखा रहे हैं गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी की। हालांकि इस गिरफ्तारी में समय लगा, 6 से 7 दिन का ये समय, जिसके बाद ये गिरफ्तार हुआ। और देखिए नेक्सस, आप देखिए इसका जाल, देखिए।